हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को संगीता गौड़ का प्यार भरा प्रणाम। और मैं संगीता गौड़ उत्तराखंडी ब्लॉक नंदा नगर घाट चमोली उत्तराखंड नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ से हूँ। तो गाइस, आप सभी का मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और अपने नंदा धाम सिद्धपीठ में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी के लिए आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और महाशिवरात्रि के पर्व पर हम अभी ना हमने आज व्रत रखा है और मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ के मंदिर। तो हमारे गाँव आज शिवरात्रि का मेला है ना, शिवरात्रि है आज। शिवरात्रि के लिए हम अरबी निकाल रहे, देखो हमने यहाँ पे ना ये अरबी लगा रखी। तो जो ये बाहर के हैं ना, ये वाले, ये हम निकालते हैं। और ये अरबी का पेड़ है, अरबी मतलब हम इसे ना पिंडालो बोलते हैं। अरबी को अपनी गढ़ वाली भाषा में हम पिंडालो बोलते हैं। आज इसी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, महा भोलेनाथ को इसका प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और शाम को हम सब्जी भी बनाते हैं आज इसकी, पिंडालू टेड़ू और आलू को मिला करके हम भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। अभी मंदिर में जाके चढ़ाना है। इस देखो कितनी सारी अरबी निकाल रही, इसके नीचे और भी निकलेगी। तो गाइज, हम ना नंदा नगर, जो नंदा नगर घाट है वहाँ पे भी शिव का मंदिर है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है और लाइन लगाना पड़ता है, इसलिए हम अपने गाँव के ही मंदिर में जा रहे हैं लाइक। और जल चढ़ाने के बाद फिर मुझे ना शॉप पे जाना पड़ेगा आज हस्बैंड के साथ, क्योंकि वहाँ पे बड़ा मेला लगता है 2-3 दिन का। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर, जल चढ़ाने के बाद फिर शॉप दिखाऊंगी, फिर मेला दिखाऊंगी आप लोगों के लिए। फोने की फोटो गानी हो, फोने की तो गानी हो। देखो यहाँ पे, देखो कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर फूल हो रखे हैं यहाँ पे। और ये है सामने शिव का मंदिर, और इसी भी बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे भी भक्तजन सरदार लोग आते रहते हैं। और आज हम यहीं पर जल चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है ना ज़्यादा। और हम अब ना जल चढ़ा चुके थे और ना अपने नंदा नगर घाट में पहुँच चुके हैं, और अभी अपनी शॉप पर पहुँच गए हैं हम। और हमने यहाँ पर ना अपने कपड़े कपड़े लगा लुगू करके दुकान को रेडी कर दिया है। और इसके बाद ना मैं जाने वाली हूँ ऊपर जहाँ पे मेला लगता है स्टेशन में, तो वहाँ पे जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना घाट ब्लॉक की जितनी भी स्कूलें हैं ना, वहाँ सभी स्कूलों का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे। तो सारे कार्यक्रम आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ मैं वहाँ पर। और बहुत अच्छी अच्छी बाहर से दुकानें आई हुई है, दुकानें लगी हुई है वहाँ पर। तो सब आप लोग, शिवरात्रि हर साल ना शिवरात्रि पर यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है, लेकिन इस बार 2 दिन का मेला है। और आज दिन में भी है और आज रात को भी है, और कल दिन में जो है कि महिला मंगल दल का कार्यक्रम और इनाम किताब बंटेंगे वहाँ पे, और आज जो है कि स्कूलों का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मंदिर जाने के लिए, यहाँ पे पूजा के लिए अगरबत्ती फूल बतासे। ये है नंदा नगर घाट का शिव मंदिर है, यहाँ पे शिवालय है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आज देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे लाइन लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए, तो लाइन से खड़े हैं। आज देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर दुकानें आई हुई है, और प्राथमिक विद्यालय अभी तक इनकी यहाँ पे सूची उपलब्ध हो चुकी है, और जो भी बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो बहुत बहुत सारी दुकानें खुली हुई है यहाँ, सड़क के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे देखो बहुत सारी दुकानें खुल रखी है यहाँ पे। ये देखो बर्तन वालों की और कपड़े कुपड़े। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुल रखी हैं। देखो बहुत बहुत सारे गुलदस्ते और आज ही ले जाओ मेरे, आज आज
बहुत सुंदर ढंग से सजा रखी यहाँ पे हमारी फ्रेंड है क्या बोली बे क्या फूल इतनी सारी भीड़ लग रही थी ऊपर से भी और यहाँ तो दुकानों में लोग मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ देखो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है ये ऊपर साइड भीड़ है लोग खरीदारी कर रहे पे लगे हुए हैं भाई अध्यक्ष जी हमारे व्यापार से कहते जी से अनुरोध करूँ की उनको मैं माल्यार्पण और ब्याज लगा दोनों का एक ही साथ अध्यक्ष जी व्यापार से कहते जी आप भाई अरुण ढोडाल जी का भी माल्यार्पण करते हैं और ब्याज अलंकरण करते हैं क्योंकि भाई आप हमारे कलाकार हैं आप आपकी परमिशन हुई तभी ढोडाल जी यहाँ आई अगर आप परमिशन नहीं देते पति देव तो हो सकता भाई ढोडाल जी का कार्यक्रम भी हो पता इसलिए ढोडाल जी आपने आप हमारे भाई कर्नल हरन सिंह रावत जी जो हमारे अतिथि देवेंद्र गौड़ जी जो हमारे युवा साथी और आदरणीय चौधरी जी के साथ हैं उनका भी आप सौर बैंड अर्पित करने की कृपा करके देवेंद्र गौड़ जी को यो आए थे हमारे बीच जिला पंचायत सदस्य आदरणीय नंदन रावत जी हैं मैं ये देखो जलेबी बनाने वाले कारीगर बहुत टेस्टी टेस्टी जलेबी बना रहे हैं ये देखो जलेबी का आनंद शिवरात्रि के दिन जलेबी का आनंद लेते हुए ये खुले हैं डोला की दुकान में नीचे वाले बाजार में बड़ा मजा आ रहा है यार बड़ा मजा आ रहा है बहुत फेवरेट मिठाई है ये हमारी आज शिवरात्रि की और मैं भी लेके जाऊंगी अपने सास ससुर के लिए भी लेके जाऊंगी और मम्मी पापा के लिए भी Oh, my God.
दिगंबर को प्रणाम कर दूँ। और आज ये कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ये क्षेत्र का विधायक आदरणीय गोपाल रामचंद्र जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित सभी अतिथिगण, सभी के नाम ही जल दूर वंश से आप सभी को अभिनंदन। समिति का अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत जी और लक्ष्मण सिंह राणा जी, सचिव दीपक कतुड़ी जी और जो मंच का संचालन करना चाहते हैं। और आज का मेला हो गया, अभी समापन हो गया और फिर रात को होगा यहाँ पे। तो मैं बोल रही थी ना, मैं जलेबी लेके जाऊँगी सास ससुर के लिए और मम्मी पापा के लिए। तो ये है सास ससुर के लिए है जलेबी गरम गरम, और ये है मम्मी पापा के लिए। मैं लेके जा रही मम्मी पापा के लिए और हस्बैंड जी लेके जा रहे अपने मम्मी पापा के लिए, मतलब मेरे सास ससुर के लिए। ये जा रहे मतलब मेरे ससुराल अपने घर, और मैं जा रही मायके, क्योंकि बच्चे भी आज मायके गए हैं ना। तो यहाँ पे उनकी नानी आ रही थी मेरी मम्मी, तो मम्मी के साथ चले गए मायके, तो मैं भी आज मायके जा रही हूँ और हस्बैंड जी जा रहे हैं ससुराल अपने ससुराल जा रहे हैं वो। तो आज की वीडियो यहीं तक की, और जलेबी लेके मैंने दोनों जगहों के लिए ला के रख दिया ना, ससुराल के लिए भी और मायके के लिए। तो ससुराल के लिए हस्बैंड के पास दे दिया है और मैं मायके जा रही अभी। बाय, आज की वीडियो यहीं तक की, और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बाय।